तो गाइस अंबिकापुर के चौपाटी के सामने एक भवन है जहाँ पे बहुत ही अच्छा शांति और सुकून है। तो उस भवन में क्या क्या चीज़ें हैं चलिए देखते हैं इस वीडियो में। और इस कन्या को राजा अपनी बेटी समझकर सामान जहाँ से लाया जाता है वापस विदा करते हैं। मतलब ये भी अच्छे कवि के रूप में दर्शाया गया है। राक्षस जो अपने नाकों से खून की बूंदें टपका रहा है, उसमें कावट को भी मर्डर पाकिट मास भ्रष्टाचार और दहेज प्रथा को भी इसमें शामिल किया गया है। मतलब पूरे कवि के रूप में दर्शाया गया है। एक लाइट हाउस का पैनल बताया गया है, ऊपर चेतना की चित्र दर्शाया गया है, सात अनुमति बताई गई है। माता जी के सुख की अनुभूति हो रही है, माता जी के सभी हाथ रख के बैठे उनको दुख की अनुभूति हो रही है, गाय उनका बच्चे उनको प्रेम का अनुभव हो रहा है, ऋषि जो तप कर रहे हैं उनको शांति की अनुभूति हो रही है, ऋषि जो हल जोत रहे हैं उनको शक्ति की अनुभूति हो रही है, बच्चे जो खेल रहे हैं उनको आनंद की अनुभूति हो रही है। चेतना शक्ति होती क्या और हमारे अंदर आती कहाँ से, आगे हम जानेंगे आत्मदर्शन में आत्मा क्या होगा। तो गाइस यहाँ पर हर चित्र के पीछे एक रहस्य है और उनके बारे में बताया जा रहा है। जी जी किसी का भगवान अलग नहीं है, सबका भगवान एक शिव परमात्मा ही है, जो आत्मा है ना। तो आत्मा के ये जो शिव बाबा को दिखाया गया है तो तीन लाइन है इसमें, बीच में एक बिंदु है, ये बिंदु ज्योति स्वरूप परमात्मा है जी जी, शिव बाबा है ना। मक्का मदीना जो जाते हैं ना वहाँ पे भी देखिए वो बिंदी स्वरूप जो है ना शिव बाबा, उन लोग भी उन्हीं की पूजा करते हैं है ना। उनको भी गुरु नानक को भी साक्षात्कार उन्हीं का हुआ, भगवान का ही हुआ था, वो भी बोले सबका मालिक एक है, ऊपर वाला ही है जी। उनका भी उनको लाइट का ही दर्शन हुआ था गौतम बुद्ध को भी, फिर ईसा मसीह का भी वो भी देखिए ऊपर की तरफ है ना। उनका आयु सिर्फ 12 वर्ष था है ना, उनके माँ बाप बहुत चिंतित हो गए कि इस बच्चे की आयु सिर्फ 12 वर्ष है, ये बच्चा 12 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगा। और बच्चे को बताया नहीं गया कि आपकी आयु 12 वर्ष है, लेकिन उनको बोले कि शिव भगवान का आराधना करो, बालक शिव भगवान का आराधना करने लगता है, जब उनको काल लेने आती है तो साक्षात भगवान खड़े हो जाते हैं और उनके आयु के सामने 12 के समय बिंदु लगा देते हैं, तो उनकी आयु 120 वर्ष हो जाती है, फिर वो बालक की आयु बढ़ के 120 वर्ष हो जाती है और सबका मालिक एक है। तो गाइस सभी चित्रों के बारे में यहाँ पर हैं वो बता रहे हैं क्या क्या है, प्रति किस चीज़ को दर्शा रहे हैं और उन्हीं चीज़ को हम लोग सुन रहे हैं। तो चलिए और चित्र आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर चित्र के द्वारा अच्छी अच्छी चीज़ें हर चित्र के पीछे एक स्टोरी बता रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ यहाँ पर अच्छी बातें बता रहे हैं गाइस, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर चित्र बनाया गया है। जब धीरे धीरे और बड़ा होता है, जब पढ़ने लगता है वो बच्चा, तो उस खेलने वाले दोस्तों से भी वो छूट जाता है, क्योंकि पढ़ाई से उसको प्राप्ति होने लगती है।
जहाँ जहाँ देखा गया है कि जहाँ जहाँ से जिसको प्राप्ति होती है मन वहीं लगने लगता है, दूसरे तरफ से उसका मन हटता है। जहाँ से प्राप्ति हुई वहीं से मन उसका लगने लगता है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है, देखो एक योगी बैठे हैं, मैम एक मिनट मैं लेना चाहूँगा, मेरा YouTube चैनल है, क्या मैं इसको मतलब अपलोड कर सकता हूँ इस चीज़ को? है ना, ये तो एक प्रकार से बाकी हाँ वही पूछ रहा था कि भाई YouTube अपना चैनल चलाते हैं तो उससे क्या है देख के एक अलग ही विचारधाराएं बन सकती हैं लोगों में। ठीक, यहाँ दिखाया है राजयोग विधि दर्शन, और पहले आप लोगों ने राजयोग विधि दर्शन देखा तो उस विधि से हम क्या क्या सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक ब्रह्मा कुमारियाँ दिखाई गई है, वो मेडिटेशन कर रही है, मेडिटेशन से उन्हें ये सारी शक्तियाँ उनमें इमर्ज होती है, तो बिल्कुल लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं की जैसे। जैसे यहाँ दिखाया गया है सारथी के लिए, ठीक है, सारथी घोड़ों को लगाम लगाता है तब जाके घोड़े कंट्रोल में आते हैं। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन कंट्रोल में आता है, कभी हम कुछ करना चाहते हैं और कर जाते हैं कुछ और, क्योंकि हमारा मन कंट्रोल नहीं होता। वो कंट्रोल कैसे होगा? मेडिटेशन विधि से होगा। ठीक है, देखिए आजकल लोगों में ये सारी शक्तियों की कमी है, जैसे देवियों को दिखाया जाता है अष्टभुजाधारी के रूप में, ठीक है, उन्हें वास्तव में आठ भुजा होती नहीं है, वो शक्तियों को भुजा के रूप में दिखाया जाता है। सहयोग करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, क्षमाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, जैसे कि आप देखिए सामना करने किसी को परम नहीं पाते, समाधि भी नहीं पाते, उसको मिलने को बात बोलेगा किसी टाइम तक अब से अंदर समा ही नहीं पाते, किसी और जाके बढ़ाते जाते हैं। जैसे क्या बोलना चाहिए, अति अनेक घर, अनेक राज्य हैं, अनेक लोगों के एकदम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मत होते हैं भाषाएं, और जब हम इस मेडिटेशन करेंगे तो सारी शक्ति हमारे अंदर इमर्ज हो जाएंगे, हम बिल्कुल देवी देवताओं के जैसे हो जाएंगे, तो नई दुनिया की स्थापना होगी, बहुत सुंदर होगी, क्योंकि उनमें एक भाषा होगा, एक मत होगा, एक राज्य होगा। और ये एक घंटे की होती है, इसको शॉर्ट में बताया जा रहा है, और ये बताया जाएगा 7 डेज के कोर्स में आपको एकदम डिटेल आगे जाएगी। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। रानी ऐसा कर्म करे इसमें पाया जाता है राजा रानी तथा प्रजा, वहाँ पर सब कुछ समान होता है, राजा रानी जितना संपन्न होते हैं उतने ही दास दासी भी संपन्न होते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक राज्य एक भाषा देवी देवता धर्म होता है, और आज के सब अनेक धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि मेरा धर्म हम बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते, लेकिन आज ब्रह्मा कुमारी ऐसा कार्य कर रही है जिसे आपको समय प्रति समय हम उसका कार्य को लाभ ले सकते हैं। राज्य यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि संसार में किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, किस तरह से धारणाएँ रखना चाहिए, सोच विचार के बारे में, लड़ाई झगड़ा सांसारिक पारिवारिक सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कंटेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।